हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीटीज होम्स किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेज बिरयानी की रेसिपी। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कुकर में 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी को गर्म होने देते हैं। यहाँ पे हमने 100 ग्राम पनीर ले लिया है। अब हम पनीर को इसमें डाल के सालों फ्राई कर लेंगे। चलाते हुए आप पनीर को सालों फ्राई कर ले। पनीर सालों फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये थोड़ी चिपक रही है। मैंने इसे तुरंत फ्रिज से निकाल के इसे डाल दिया है, इसलिए थोड़ी ये चिपक रही है। ये लीजिए, पनीर को हमने सालों फ्राई कर लिया है। बची हुई घी में हम अब खड़े मसाले ऐड करेंगे। खड़े मसाले में हमने लिया है तेजपत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, काली मिर्च, लौंग, जीरा। अब इसे डाल देंगे, थोड़ा इसे चटकने देते हैं। उसके बाद हम इसमें सब्जियां डालेंगे। सब्जियों में हमने लिया है, थोड़ी सी बीन्स ले ली है हमने, थोड़ी गोभी, थोड़ी टमाटर, थोड़ी सी मटर और हरी मिर्च। सबसे पहले इसमें गोभी डालेंगे, उसके बाद इसमें बीन्स डालेंगे। थोड़ा इसे भून लेते हैं। चलाते हुए आप गोभी और बीन्स को भून लें। गोभी और बीन्स को हमने भून लिया है। अब हम इसमें मटर डालेंगे, इसे भी डाल के भून लेंगे। अब हम इसमें रफली चॉप किए हुए टमाटर को डाल देंगे। आप चाहे तो टमाटर डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मुझे वेज बिरयानी में टमाटर बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। हरी मिर्च इसे डाल के भी हम थोड़ा भून लेंगे। सारी सब्जियाँ हमारी भुन चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये लीजिए, सारी सब्जियां हमने निकाल ली है। कुकर में फिर से 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। ये मैंने 2 प्याज को लंबे में काट लिया है। अब इसे घी में डाल के गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम भून लेंगे। इस तरीके से चलाते हुए आप प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें। ये लीजिए, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। आधे प्याज हम निकाल के रख लेंगे। आधा हम निकाल के रख लेते हैं। अब हम इसमें फ्राई किए हुए सब्जियों को डाल देंगे। उसके बाद हमने जो पनीर को फ्राई किया हुआ है उसे भी इसमें डाल देंगे। अब इसे मिला देंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 टेबल स्पून। इसे डाल के थोड़ा भून लें। ये लीजिए, हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से सब्जियों में मिला दिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे।
1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, अब हम इसे मिला देंगे। थोड़ा मसालों के साथ सब्जियों को अच्छे से आप इसे भून लें। उसके बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून दही डालेंगे। इसे डाल के मिला लें। हमने दही को अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून शाही बिरयानी मसाला डालेंगे। इसे डाल करके मिला लें। उसके बाद इसमें हम चावल डालेंगे। ये मैंने 1.5 कप चावल ले लिया है। इसको 15 से 20 मिनट पहले मैंने इसको धो करके रख लिया था। अब हम इसको कुकर में डाल देंगे। सब्जियों के ऊपर इस तरीके से आप चावल की लेयर लगा दें। ये लीजिए, हमने चावल की लेयर लगा दी है। इस तरीके से आप चावल की लेयर लगा दें। उसके बाद इसमें प्याज डालेंगे। वो जो हमने फ्राई किए हुए प्याज को रखा हुआ था उसे डाल देंगे इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे। अगर आपके पास पुदीना नहीं हो तो आप ना डालें। मैं इसमें पुदीना नहीं डाल रही हूँ। अब मैं इसमें केसर में भिगोए हुए दूध को डाल रही हूँ। एक एक चम्मच करके आप इसे साइड से केसर वाला दूध डाल दें। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहे तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। ये लीजिए, हमने सारे दूध को इसमें डाल दिया है। अब इसके ऊपर 1 टेबल स्पून देसी घी फिर से ऐड करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। साइड से आप इसमें पानी डालें इस तरीके से, और उसके बाद इसे इस तरीके से करते जाए। ये देखिए, क्योंकि चावल भिगोए हुए हैं तो बस एक सीटी में ये चावल हो जाएगी। ये लीजिए, हमने 1 कप इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब कुकर का ढक्कन लगा के हम 1 सीटी आने तक गैस पे रखते हैं। एक सीटी लग चुकी है। गैस के फ्लेम को ऑफ करते हैं और कुकर ठंडा होने का वेट करते हैं। कुकर ठंडी हो चुकी है। अब हम कुकर को देख लेते हैं। ये देखिए, चावल कितने खिले खिले बने हैं ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, कितने खिले खिले चावल बनके तैयार हुए हैं। अब हम चलते हैं, इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, वेज बिरयानी बनके बिल्कुल तैयार है। कितने खिले खिले चावल बनके तैयार हुए हैं ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये लीजिए वेज बिरयानी
बनके तैयार है। रेस्टोरेंट जैसी घर पे आप इस तरीके से वेज बिरयानी बना के तैयार करें, झटपट से ये बनके तैयार हो जाती है। आप इसे ओनियन और नींबू की स्लाइस से सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसे रायते के साथ भी सर्व कर लेंगे। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बिरयानी बनके तैयार हुई है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये आप देख सकते हैं देखने में कितना टेम्पेटिंग लग रहा है। ये एक बार आप ज़रूर बना के ट्राई करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपकी बिरयानी कैसी बनी है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।